अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी बंगाल रिएक्शन। सो गाइस, माय नेम इज हसन नासिर एंड आई एम अहमद लतीफ एंड टुडेस वीडियो टाइटल इज डॉक्टर्स बैच गैदरिंग इंडियन स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश। सो गाइस, ये काफी मुझे मतलब हैरानगी की बात लगी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बांग्लादेश में MBBS करते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी फील्ड्स में वो स्टडी कर रहे हैं, और ये मुझे काफ़ी हैरानगी की बात लगी। फिर उसके बाद हमने वीडियो देखी कि स्टडी इन बांग्लादेश, MBBS स्टडी इन बांग्लादेश, उसमें देखे कि यार उनका जो सिस्टम है ना स्टडी का, हमारे होता है एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम, बट बांग्लादेश के अंदर मॉड्यूलर सिस्टम भी यूज़ किया जाता है जो कि एक एडवांस सिस्टम है जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भी स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर देखें, USA UK जो है ना, आपको यही जो है ना मॉड्यूलर सिस्टम ही मिलेगा। और बाकी जो ओल्ड सिस्टम है वो एनुअल सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली फॉलो अभी भी किया जा रहा है एनुअल सिस्टम। और दूसरी बात है कि इनकी जो स्टडी होती है बांग्लादेश की वो अफोर्डेबल भी है, और दूसरा वर्ल्ड वाइड इनके जो स्टूडेंट्स जो निकलते हैं वो एक्सेप्टेबल भी होते हैं और काफ़ी जहीन भी होते हैं। बिल्कुल, ऐसे टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि हर वीडियो में हमने यही सुना है कि अगर कोई बच्चा स्टडी करना चाहता है प्रॉपर तरीके से, फिर वो बांग्लादेश का जो है ना उसको चूज करे। अगर वो चाहता है बस चील मारना, फिर नहीं, स्टडी करनी है तो फिर जो है ना फिर बांग्लादेश के अंदर जाए। मॉड्यूलर सिस्टम है तो ये जी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इनकी बैच गैदरिंग है, ये डॉक्टर्स हजरात हैं जी, तो विदाउट एनी डिले इनकी तरफ चलते हैं। मीटअप होने वाला है जी, गैदरिंग है इनकी, तो विदाउट एनी डिले चलते हैं, देखते हैं कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, कैसे फील हो रहा है इनको, कैसा जो है ना इन्वायरमेंट दिया गया इनको बांग्लादेश के अंदर, कैसा मिला है एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ गए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3, 2, 1 स्टार्ट। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ पकवान डीडी बांग्लादेश। आ सेल्फी है, आर यू स्पीकिंग द फोटोज, सो आई वांट टू शो दैट कि कैसे यहां पे अरेंजमेंट से, कैसे यहां की इंटीरियर है, पंजाबी सॉन्ग लगे हुए, फोटोग्राफर देखो हमारे इशाद भाई, सी यू ब्रदर्स। अस्सलामुअलैकुम, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आगे थोड़ा सा हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज एक छोटे हम टीचर को पार्टी दिया तो आज हम वहाँ पे आए हैं पार्टी में। आज हमारे साथ जितने हमारे बैचमेट्स हैं, डॉक्टर्स बैचमेट्स सारे आए हैं। ब्लू आईज लगा हुआ है, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, कैसा कैसा लगा बता दो सही। मोबाइल में क्या देख रहे हैं, अच्छा लगा सब, कैसे लगा आज आपको यहाँ पे, अच्छा लगा खाना, कैसा विदाउट फूड क्या चीज सुन, ब्रदर हाउ आर यू, और बाकी कैसे इंजॉय करोगे आप, लाची लग गया पार्टी, और ये मेरे भाई काशिफ चौधरी साहब, जो आपको जानते होंगे हमारे साथ में, कैसे लगा यहाँ पे आके, नहीं भाई साहब ये इंट्रोवर्ट नहीं है, इस टाइम मोबाइल पर किसके साथ लगे हुए थे। बैठे हुए बेचारे जैसे मासूम बच्चे नहीं होते। खाना कैसा है यहाँ पे, खाना इनकी वॉइस का मसला आ रहा है ना, कम साउंड, खाना पसंद नहीं आया जी। बांग्लादेशी लग रही है मुझे, असल में ना पीछे म्यूजिक लाउड लगा हुआ है इसलिए आवाज उनकी क्लियर नहीं आ रही है, पंजाबी सॉन्ग जी।
थैंक यू भाई, अक्वान सर्विस वाज रियली अमेजिंग, लव इट, थैंक यू, थैंक यू भाई। आई थिंक खाना अभी आना है वहां, क्या आ गए पता नहीं, देखते हैं अभी, अभी आना है क्या भाई? अब चले, अब चले, थैंक यू, थैंक यू भाई। आपका नाम क्या? इमाम, इमाम, थैंक यू सो मच। आई वांट योर नेम? माय नेम इज मसूद, मसूद। अच्छा खाना है यहां पे, सिलेक्टेड, थैंक यू सो मच सर फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू। नहीं दे दिया है खाना, मिल गया है, पहले अच्छा खाना है। दस 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 ओए फोन पागल लड़की। I think she's from India, है ना? ये तो पाकिस्तान का होता है। कौन? ये जो लड़की है। इंडियन है सर। इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ओके। चिकन सिंध बिरयानी, गार्लिक नान। ये टेस्ट किया हुआ है मैंने सारा। हाँ। सब्जी मिली जुली। मिक्स सैलेड। दही की चटनी। दही की चटनी। होटल तो काफी जबरदस्त। अच्छा पकवान रेस्टोरेंट का नाम है यार। रेस्टोरेंट अच्छा है यार। पकवान, हाँ पकवान, इसके इंटीरियर डेकोरेशन अच्छी है। सही बात। दिस इज माय बैचमेट डांस, माय ब्रदर फ्रॉम कश्मीर। एवरीवन, कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, मतलब एंजॉय कर रहे हो आप? खाना कैसा है यहाँ का? खाना तो बहुत अच्छा है, एंजॉय किया आपके साथ आज, पूरा बैच आया हमारे साथ, मतलब दो एनवायरमेंट भी बहुत फेवरेबल है, तो मज़ा आ गया। जैसे हम घर से भी दूर है, मतलब वहाँ बात नहीं हो पा रही, और मतलब वापस बैच बैठ कर मिलना जुलना कैसा लग रहा है आपका? कैसा फील हो रहा? आज हम पहले ही बहुत टाइम के बाद बाहर निकले, आपको तो पता ही है, तो आज ऐसा माहौल बना है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद बाहर निकलेंगे, सबको दिखाएंगे, उनको पता चलेगा हमारे सारे कैसे मजे ले रहे हैं, साथ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, उमर कैसे? मेरा बैचमेट अनस, मैट्रिक वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे लगा यहाँ पे आके? ये एक्चुअली ये हमारे ऑर्गेनाइजर थे, बाकी मैं और एक और लड़का, हम इनकी हेल्प ही कर रहे थे, तो काफी अच्छी अरेंजमेंट किया इसने, ये हरियाणा से, और काफी अच्छा लगा इसके साथ। कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आप? बहुत ज्यादा। खाना कैसे? खाना यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब अभी हम मतलब घर से दूर थे यहाँ पे, अभी मतलब कैसे कोलैबोरेट करते हैं अपने बैचमेट से, कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, इंडिया जैसा ही है। सर थैंक यू सो मच, परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जी बांग्लादेश में। प्लेइंग गेम्स नाउ, नहीं नहीं, दिस इज द वन टीम एंड दिस इज द सेकंड टीम, द गाय सिटिंग इज मेरी लग रहे हैं भाई। हां, दिस इज द वन टीम अपोजिट टीम, खेलो खेलो सर। आई एम द वीडियोग्राफर, ओके, गेस द मूवी, गेस द मूवी, शाबाश, शाबाश। देखो 1 सेकंड, पहले मत गेस किया करो जब तक मैं बोलती नहीं। या या शाबाश। Krish, yeah. Who answered this? Krish, Christian, Christian, over here. Krish, पहला वर्ड है। पहला वर्ड है। Krish. Camera rolling, Zaki. Help with me this. सब आपके हो गए यार। Yeah. क्या बात है ये? Guess कर रही है। करगी लड़की यार। Next, next one, next one. Momin is coming from team A. टीम में मोमिन कमिंग, आजा मोमिन, वो बेचारे दो साइड में बैठे हुए, क्या वजह? कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा है, हिंदी पर स्टार बॉलीवुड, पार्टी किसकी टीम का है? की हाँ, की का, की एंड का, की हाँ,
की खत्म गैस नहीं कर पा रहे, गैस नहीं कर पा रहे। हाँ मुश्किल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया जी। ये क्या कर रहा है यार, पल्लू के अंदर क्या है? बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ये क्या बात है, दुल्हनिया मूवी, ये पूरे बद्र की दुल्हनिया। मैं तो बोला ये कश्मीरी हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं कश्मीरी हमारे भी, कोयटा के अंदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा बैचमेट है सुहेब, सुहेब पीर दादा फ्रॉम कश्मीर अनंतनाग। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, इस माहौल में कैसा लग रहा जी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत टाइम बाद निकले, क्या वजह है, निकलने नहीं देते समझ से बाहर है, हम रोज निकलते हैं बांग्लादेश के अंदर आए हैं ना, फैमिली कुछ हो सकता है। हम ज्वाइन कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। रोहू भाई हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर से दूर है हम सारे, मतलब घर से दूर है ना, घर से भी आपको पता होगा हालात कैसे, बात भी नहीं हो पा रही। और अब इस टाइम पे मौके में कैसा लग रहा है आपको? इस टाइम पे एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है। हमें हमें नाइस शेयर करना है, कहाँ से करवाई आपने? थैंक यू, ये वो हमारे अक्सर भाई हैं यहाँ पर। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे? पार्टी बोलेंगे, पार्टी बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज की थी उमर भाई ने, माशाल्लाह। उमर भाई बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल इनका, जरूर पॉलिटिकल बातें करते हैं बहुत। नहीं यार, मैं गरीब बंदा हूं, थोड़ी बहुत ही बातें जानता हूं कर लेता हूं, लेकिन आप इंसाफ के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूर है और आप बोलते हैं, घर में बात हो रही है आपकी? बात तो हो रही है, लेकिन वो मतलब वीडियो पे बात नहीं हो रही, वीडियो पे मतलब बहुत दिन से, मतलब बहुत मतलब घर पे बात नहीं हो रही, वो फीलिंग जो है ना घर पे हमारी, हम ऐसे तो बात करें वो भी लाइक वो डिफिकल्टी तरीके से हमारी वॉइस कॉल पे बात हो रही है, और हमारी वीडियो कॉल पे सर अभी बात नहीं। मतलब कैसा लग रहा है आपको, मतलब घर वालों से आकर हम कनेक्टेड अपने घरों से कहीं ना कहीं? सही कह रहे हैं आप उमर भाई, लेकिन ऐसा क्या हो रहे हैं थोड़ा सा ना, कहते हैं घर बात नहीं हो रही वीडियो पे, वही घर से घर वालों से बात नहीं हो रही है वीडियो पे, ऐसे बस कॉले वॉले हो रही है, वो उसके लिए जुगाड़ करने पड़ रहे हैं, तब हो रही है कॉले। यही कहना चाह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, हमारे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपने अच्छा खाना चाहिए, आप इंजॉय किया? चलो इंजॉय किया, मतलब बैचमेट सर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उमर भाई, आप थैंक यू सब्सक्राइब करिए अमर काजी साहब को, थैंक यू, अच्छा थैंक यू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पार्टी आज के व्लॉग हम यही एंड करते हैं। ओके जी, काफी मजा आया, हमें भी काफी जाना मजा आया जी, यहाँ भी जो वीडियो एंड करते हैं काफी जबरदस्त यार, हमने देखा कि कैसे बाउंडिंग आपस में कितनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, गेम्स भी खेली उन्होंने, तो दूसरे कंट्री के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर, लेकिन कहते हमें यहाँ पे वैसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, हम फील नहीं करते कोई इस तरह का इश्यू हो, लेकिन फिर भी जो है ना एक घर से दूर होता है बंदा, तो आपस में जो है ना सेम कल्चर, सेम जो है ना मतलब कंट्री से, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स सपोर्ट मिल जाती है काफी। वैसे तो नो डाउट इनके बांग्लादेशी फ्रेंड्स भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे वहाँ पे, बट ये इन्होंने अपनी गैदरिंग की इंडियंस ने, और जितना मेरे ख्याल से कोई भी दूसरे कंट्रीज के अंदर अपने कंट्री वाले हसन सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, वो कोई और कम करता है, लेकिन वो क्योंकि एक बॉन्डिंग सी क्रिएट हो जाती है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ और मैं इंडिया से हूँ, तो आपस में काफ़ी अच्छी इनकी जो है ना, बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक आप जब कोयटा जाते हैं वहाँ बलोच और पश्तून जो होते हैं उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसी है। तो आप वहाँ जब गए थे फर्स्ट टाइम, आपने देखा कि पंजाबी काफ़ी हैं, तो आपकी जो बॉन्डिंग थी पंजाबियों के साथ ज्यादा हो गई थी, बिल्कुल दुरुस्त बात, आपने यही बात की, बिल्कुल ये मैं यही कहने की कोशिश करूँ कि जो सेम सोसाइटी से या कल्चर से बिलोंग करते हैं उनकी जल्दी जो है ना मतलब इमोशनल अटैचमेंट बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप और ज़रूर होती है, सबसे होती है, लेकिन ये ज़बरदस्त थी, और ये डॉक्टर्स की जी गैदरिंग सी, हमने पहले भी बताया कि काफ़ी दुनिया से और इंडिया से पाकिस्तान से भी लोग बांग्लादेश जो है ना MBBS करने गए जाते हैं, और पाकिस्तान भी आते हैं। ये लाइट का गाइज ये कोई इश्यू आज बन गया है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम रियली सॉरी करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान है ये, बांग्लादेशियों को भी हमें पता लग जाएगा, चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये लोड शेडिंग होती है, लाइट जाती है। तो गाइज यहीं पे जो है वीडियो को एंड कर देते हैं, हमने काफ़ी वीडियो को एंजॉय किया, उम्मीद है आपने भी वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा, एंड सॉरी फॉर दिस लाइट डिस्टर्बेंस, हमें अब हम शुक्र हमारी शक्लें नज़र आ रही हैं, शुक्र हमारी शक्लें नज़र आ रही हैं, तो विदाउट जो है ना एनी डिले वीडियो को एंड कर देते हैं, विदाउट एनी डिले एंड कर देते हैं, हम भी मीटअप करते हैं जाकर अपने जो इलेक्ट्रीशियन भाई साहब, बिल्कुल उनसे जो है ना कनेक्शन करते हैं, तो अपना रखें गाइज बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।